वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं IR कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको आपका प्लान और डिज़ाइन बनाना है, नीचे आप एक नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए या कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का हमारा प्लान है 20x30 फीट में 3 बेडरूम का ड्यूप्लेक्स मैंने प्लान बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। अब देख सकते हैं ये प्लॉट आपको नॉर्थ फेसिंग मिल जाएगा, आगे की तरफ रोड देख रहे हैं आप। तो चलिए एंटर करते हैं पार्किंग के तरफ से। आपको पार्किंग मिल जाएगी 8x8 फीट 6 इंचेस की। यहाँ पे गेट दिख रहा है आपको। तो आप एंट्री करेंगे मेन डोर से लिविंग एरिया की तरफ। आपको 10 फीट 6 इंचेस बाई 18 फीट का ये जो है एरिया कम्प्लीट मिल जाएगा आपको। लिविंग और डाइनिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने किचन ओपन रख दिया है, अगर आपको ओपन किचन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एक वॉल भी बना सकते हैं। तो अब देख रहे होंगे लिविंग एरिया का विंडो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और सेटबैक्स तो बिल्कुल मैंने छोड़े ही नहीं हैं यहाँ पे। और सेटबैक्स ना छोड़ने के बावजूद भी इसमें आपको बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। किचन आपको 10 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस की मिल जाएगी। किचन के एकदम बैक साइड आपको मिलेगा कॉमन बाथरूम 6x4 फीट का, और इसके बाजू में आपको मिलेगी 6 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट की यूटिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया से आपको मिल जाएगी आपकी फर्स्ट बेडरूम 8 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस की। इसका विंडो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक अटैच बाथरूम जो है 6x4 फीट का। तो चलिए स्टेयर्स की तरफ आते हैं। आपको ये 6 फीट वाइड स्टेयर्स मिल जाएंगे, और लैंडिंग अराउंड 2 फीट 6 इंचेस की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चढ़ के ऊपर आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त लिविंग एरिया मिलेगा यहाँ पे 10 फीट 6 इंचेस बाय 16 फीट का। यहाँ से मैंने एक और कॉमन बाथरूम दे दिया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी। और इसके बाजू में आप देख सकते हैं आपको सेकेंड बेडरूम मिलेगी 8 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस की विथ अटैच बाथरूम। सबसे आगे आपको मिलेगी 10 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट 6 इंचेस की थर्ड बेडरूम। ये बेडरूम को आपको एक बहुत ही ओपन टाइप जो पार्किंग आपने देखा होगा वही साइज़ की एक बहुत ही ज़बरदस्त बालकनी देखने को मिलेगी जो है 8x8 फीट 6 इंचेस की। अगर आपको ये रूम बड़ा बनाना है और इसे भी अटैच बाथरूम बनाना है, तो यहाँ पे आप एक बाथरूम रख के ये बालकनी का हाफ पोर्शन आप छोटी बालकनी बना सकते हैं। इस बेडरूम में बाथरूम नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक कॉमन बाथरूम दिखाया है। तो जैसे आपने देखा, ये था हमारा आज का 20x30 फीट में 3 बेडरूम ड्यूप्लेक्स हाउस डिज़ाइन। अगर आपको ये प्लान पसंद आया है तो लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो वॉक थ्रू तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत ही सिंपल सा ये घर बनाया है। इसमें ज़्यादा कुछ एलिवेशन में मैंने दिखाया नहीं है, सिर्फ आपको टाइल्स क्लैडिंग देखने को मिलेगा और मैंने ग्लास रेलिंग्स दिखाए हैं। तो एलिवेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और आपके थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अब हम उस वॉक थ्रू को कंटिन्यू करते हैं।